हेलो गाइस, इस यहाँ पर भी आप सभी का स्वागत है मेरे नए वीडियो में। यानी आज का वीडियो है दिलचस्प बेसिक लेसन 40 राइट नो फ्रेंड्स 48। फ्रेंड्स आप सभी देख सकते हो कि मेरे एक आज नई पोजीशन है, प्लस मेरा नया बैकग्राउंड है। फ्रेंड्स आप सभी देख सकते होंगे, बट नो वरीज फ्रेंड्स, हम लोग पोजीशन पे फोकस करते हैं, हमारा यही काम होता है। फ्रेंड्स चलिए फोकस करते हैं पोजीशन पे। तो आप सभी को दिख रहा होगा अभी कि ये पोजीशन थी, मैंने लास्ट टाइम दी थी आप सभी को। सो आप सभी को मैंने लिखना बता दिया, पिछले कमेंट्स में मैंने अलाउ नहीं किया, बट जो भी लेटेस्ट वीडियो है जिसमें मैंने कमेंट्स अलाउ किए हैं चाहिए उस पर कमेंट कीजिए फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स मैंने आपको बताया था कि कल इस नाइट को हमको खेलना था, तो हम नाइट फोक की पोजीशन थी। तो हम लोग फ्रेंड्स देखो, हमेशा फोक के भी कई रूल्स होते हैं फ्रेंड्स। तो फोक हमेशा पॉन के साथ कभी फोक नहीं होता। जैसे कि फ्रेंड्स अगर आप समझिए कि ये किंग और ये पॉन का हम लोग फोक कर पा रहे हैं फ्रेंड्स, तो चलिए मान लीजिए कि मैंने ये पॉन यहाँ पे है फ्रेंड्स, मान लीजिए ये वाला जो पॉन है वो यहाँ पे है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आप ये इसको यहाँ पे खेल के ये इसके साथ नाइट फोक नहीं कर सकते फ्रेंड्स। आप ऐसे इसको ये नाइट फोक नहीं खेलाएगा फ्रेंड्स, क्योंकि फ्रेंड्स अब क्योंकि पॉन एक ओनली वन पॉइंट होता है, तो पॉन के साथ नाइट फोक एक तरह से नहीं कहलाता है। तो फ्रेंड्स जब हम लोग तो या तो नाइट फोक पॉन के अलावा हर चीज के साथ कर सकते हैं, इंक्लूडिंग द किंग फ्रेंड्स। सो इंक्लूडिंग द किंग भी हम लोग नाइट फोक कर सकते हैं पॉन के विदाउट पॉन के साथ किंग को इंक्लूड करके हम लोग भी कर सकते हैं नाइट फोक। सो फ्रेंड्स आप सभी ने अब तक देख ही लिया होगा, क्योंकि मैंने लास्ट में आपको भी दिखा दिया था कि हमने ये पॉन को हम लोगों ने यहाँ पे अज्यूम किया था और फ्रेंड्स नाइट यहाँ पे खेल के ऐसे मना किया था, बट फ्रेंड्स ये नाइट फोक कहलाएगा, क्योंकि फ्रेंड्स देख सकते हैं कि यहाँ पे क्वीन भी आ रही है। सो फ्रेंड्स जल्दी से मैं खेल देता हूँ। फ्रेंड्स अभी आप देख सकते हैं किंग पे चेक भी आया है, प्लस क्वीन पे अटैक भी आया है। सो फ्रेंड्स इधर हम लोग कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि आप सभी को बताओ कि नाइट की बहुत अच्छी बात है फ्रेंड्स कि जब भी नाइट फोक होता है या नाइट चेक देता है, उसमें आप कभी नाइट को ब्लॉक नहीं कर सकते। मतलब नाइट के लिए ब्लॉक का ऑप्शन डिसेबल्ड है। एक तरह से नाइट को बहुत भूख लगी थी, उसने ब्लॉक का ऑप्शन ही खा लिया, सब हमको ब्लॉक का ऑप्शन नहीं मिलता है। क्योंकि फ्रेंड्स आप सभी देख सकते हैं कि एकदम फुल स्क्वायर्स नहीं चलता है फ्रेंड्स, तो बीच बीच में वो चलता है, वो 1 and 2.5 मूव चलता है फ्रेंड्स। क्योंकि टू मूव्स हो गया, ये टू मूव्स हो गया, बट फ्रेंड्स हाफ हो गया इधर का फ्रेंड्स। क्योंकि नाइट हमेशा ये नाइट ऐसे चलता है, कोई भी नाइट हो फ्रेंड्स, वो या तो ऐसे जाएगा या तो वो ऐसे जाएगा या तो वो फ्रेंड्स ऐसे जाएगा या तो वो फ्रेंड्स ऐसे जाएगा या तो फ्रेंड्स वो ऐसे वापस इधर जा सकता है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स नाइट की यही असली खासियत है फ्रेंड्स। एक और बात कि वो यहाँ पे भी जा सकता है फ्रेंड्स। नाइट की असल में ये खासियत है कि वो जब भी करता है ना, तो वो नाइट फोक कर सकता है फ्रेंड्स। वो हमेशा नाइट एक स्पेशल है कि वो ऑक्टोपस की तरह चलता है फ्रेंड्स, और वो किसी भी चीज से जंप कर सकता है। जैसे कि फ्रेंड्स अगर क्वीन यहाँ पे है तो वो ऐसे नहीं जा सकती, क्योंकि बीच में ये पॉन आ रहा है फ्रेंड्स, तो ये पॉन के कारण नहीं जा सकती है। बट फ्रेंड्स इफ अगर वो नाइट है तो पॉन के बीच में से जंप करके आसानी से इधर जा सकता है। तो फ्रेंड्स मैं एक नाइट को ऑक्टोपस बोल रहा था फ्रेंड्स, तो एक और जगह यहाँ पे है फ्रेंड्स, मैं बताता हूँ कैसे। सो फ्रेंड्स पहला मूव तो ये हो गया, फर्स्ट पहला वो वहाँ पे खेल सकता है, यहाँ पे ध्यान दे रहा है, सेकंड वो यहाँ पे ध्यान दे रहा है, थर्ड वो यहाँ पे ध्यान दे रहा है, फोर्थ और फिफ्थ वो यहाँ पे ध्यान दे रहा है, फोर्थ यहाँ पे जा रहा है और फिफ्थ यहाँ पे जा रहा है फ्रेंड्स, सिक्स्थ वो यहाँ पे ध्यान दे रहा है, सेवन्थ वो यहाँ पे ध्यान दे रहा है और एट्थ वो यहाँ पे ध्यान दे रहा है। तो फ्रेंड्स अब से भी आपने देखा होगा कि वो एट पे कहाँ रहता है। इसको ऑक्टोपस इसलिए कहते हैं क्योंकि ऑक्टोपस के भी 8 लेग्स होते हैं फ्रेंड्स। तो चलिए अब हम लोग खेलते हैं। एज यूजुअल किंग अपने आप को बचाएगा और वहीं पे हमारे क्वीन आ जाएगी फ्रेंड्स। तो आप सभी सोच रहे हो कि यहाँ पे अब हम लोग चेकमेट कैसे करेंगे।
फ्रेंड्स ये टाइम लेगा, बट आपको जो चेस कोर्स की बुक है, आपको नहीं पता चेस कोर्स की बुक क्या है फ्रेंड्स, तो ये है चेस कोर्स की बुक फ्रेंड्स, आप सभी देख सकते हैं, ये है वो चेस कोर्स की बुक जो मैं आप सभी को हर लेसन में दिखाता हूँ। इसमें पजल्स होते हैं फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स ये वाली मैं पजल आपको खोल के बताता हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि मैंने इनमें से सॉल्व की थी तो मैं आपको ले लाया था फ्रेंड्स। मैं सॉल्व किए है बट मैंने इस बार लिखी नहीं है उसको, मैं सॉल्व तो कर चुका हूँ बट मैंने उसके बाद सोचा कि अभी नहीं लिखते हैं, बाद में लिखते हैं, आप लोगों के लिए वीडियो ले आता हूँ पहले। तो फ्रेंड्स अब आप सभी देख सकते हैं ये वाली पजल फ्रेंड्स, आप अगर अभी आप बोर्ड पे देख रहे हो तो बोर्ड पे मत देखिए, यहाँ मेरी स्क्रीन पे देखिए, मेरे वीडियो पे देखिए फ्रेंड्स। सो आप सभी को दिख रहा होगा ये वाली पजल सेम टू सेम अब स्क्रीन पे जैसी पजल है वही पजल है फ्रेंड्स, मैंने लिखी नहीं है बट यहाँ पे हमको 5 मूव्स मिलते हैं। मैं आप सभी को काउंट करवा देता हूँ इफ अगर आपको वो लगता नहीं है तो, 1, 2, 3, 4 और 5। सो फ्रेंड्स यहाँ पे 5 मूव्स आते हैं जिनमें से वाइट, जब भी वाइट टू प्ले होता है तो 5 मूव्स होते हैं, और अगर ब्लैक टू प्ले होता है तो 4 मूव, ब्लैक टू प्ले होता है तो ब्लैक के 5 मूव्स, और 4 व्हाइट टू प्ले होता है तो व्हाइट के 5 मूव्स, और अपोनेंट और उसके अपोनेंट के आप सभी जानते हैं, या ब्लैक या व्हाइट जब भी खड़ रहे होते हैं उसके अपोनेंट के फ्रेंड्स क्या आएंगे। यस फ्रेंड्स आप सभी ने सही गेस किया है फ्रेंड्स, उसके सिर्फ फ्रेंड्स यस उसके उनके सिर्फ आएंगे 4 मूव्स, क्योंकि फ्रेंड्स 4 मूव होने के बाद अगला 5th मूव जो भी खेल रहा है जिसने स्टार्टिंग की है वो तो चेकमेट कर देगा ना फ्रेंड्स। बुक में हमको चेकमेट करना होता है थ्रू नाइट फोर जो भी वो दिया होता है। तो फ्रेंड्स ये आप सभी देख सकते हैं कि यहाँ पे हमको एक क्वीन बनाने की जरूरत पड़ेगी फ्रेंड्स, तो हम तो या इसको प्रमोट कर सकते हैं, बट इस वाले पॉन को प्रमोट करने में थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है क्योंकि बीच में ये पॉन आएगा फ्रेंड्स, बट ये इजीली हो जाएगा फ्रेंड्स। बट फ्रेंड्स अब आपको मैं एक और चीज बताता हूँ कि हम ये कैसे देखेंगे नाइट फोर हो रहा है कि नहीं, कौन से मूव में हो रहा है फ्रेंड्स। तो पहले हम लोग चलते हैं, ये हमने मूव्स खेले थे फ्रेंड्स, बट अब हम लोग पहले चलते हैं फ्रेंड्स। इस पोजीशन में आप इसमें कैसे देखें कि नाइट फोक हो रहा है कि नहीं फ्रेंड्स, मैंने को तो पता लगा लिया क्योंकि मैं ये ट्रिक यूज करता आ रहा हूँ जब भी मैं खेलता हूँ या नाइट फोक होने वाला होता है, सो मैं ट्रिक यूज करता हूँ फ्रेंड्स। फ्रेंड्स तो ट्रिक हमेशा ट्रिक ये होती है गाइस कि आप सभी देख सकते हैं नाइट कौन से कलर के स्क्वायर पे, ब्राउन या ब्लैक बोल सकते हो अगर आप कोई क्लासिक बोर्ड यूज कर रहे हो, मतलब डिफॉल्ट बोर्ड आता है जो नॉर्मली फ्रेंड्स जब हम लोग ऐसे नॉर्मली एज वर्चुअल नहीं ऐसे प्रैक्टिकली खेलते हैं फ्रेंड्स, लाइव भी नहीं, आप सभी समझ रहे होंगे, जब हमारे पास पीसेज ऐसे स्क्रीन पे नहीं होते, जब हमारे पास पूरा एक बोर्ड होता है असली का फ्रेंड्स, जिसपे असली के पीसेज होते हैं वो खेलते हैं फ्रेंड्स, तो तब या ब्लैक हो सकता है आपका, बट इफ अदर है तो ग्रीन भी होता है फ्रेंड्स, तो ग्रीन ब्लैक या इसमें दिखाए गए ब्राउन स्क्वायर पे है नाइट, और फ्रेंड्स ये क्वीन और ये किंग भी ब्राउन स्क्वायर पे है। सो फ्रेंड्स तो आप सभी अब हम लोगों को ये तो पता चल गया कि ये तीनों ब्राउन स्क्वायर पे हैं, बट अब ये कैसे पता लगा है कि हम लोगों को कौन सी जगह हमारे नाइट फोक को कहाँ मूव करना है कि वो नाइट फोक करे या चेक भी दे और कैप्चर अटैक भी करे प्लीज फ्रेंड्स। सॉरी फ्रेंड्स, तो इसके लिए हमको क्या करना होता है, आप सभी देख सकते, हमको सबसे पहले ढूंढना होता है कि हम नाइट के थ्रू उस पीस पे कहाँ कहाँ से अटैक करते हैं। सो फ्रेंड्स चलिए हम लोग पहले क्वीन का देखते हैं फ्रेंड्स, हम लोग क्वीन का नाइट के थ्रू अटैक यहाँ से कर सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ से और यहाँ से हम लोग कर सकते हैं फ्रेंड्स, मैं ये भूल गया बट ये भी कर सकते फ्रेंड्स। सो ये 8 आप देख पा रहे होंगे, ये फ्रेंड्स पहले के ये 4 अगर आपको मैं दिखाऊं फ्रेंड्स, पहले के ये वाले 4 फ्रेंड्स, ये वाले साइड वाले और फ्रेंड्स फिर ये वाले 4 फ्रेंड्स, अब आपको दिख रहा होगा ये सारी जगह होती है जिधर से हम लोग कर सकते हैं फ्रेंड्स। फिर एक और ये, और अब हम चेक करते हैं किंग का कहां से कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स हम लोग किंग का किंग को सॉरी फ्रेंड्स मैं वापस से दिखाता हूँ कि हम लोग यहाँ क्वीन से तो हम लोगों ने अभी देखा। सो फ्रेंड्स किंग के भी 8 ही आएंगे तो कभी भी हम लोग अटैक कर सकते हैं, तो कम से कम 8 स्क्वायर्स तो होंगे जो नाइट को एक सेम पीस पे
अटैक कर रहा होगा। सो फ्रेंड्स अब किंग का देखते हैं, किंग को हम लोग यहाँ से अटैक कर सकते हैं। बट फ्रेंड्स जैसे कि अभी आपने देखा होगा कि इसमें यहाँ से अटैक कर सकते हैं, यहाँ से कर सकते हैं फ्रेंड्स। बट अब आप सभी देख सकते होंगे कि यहाँ पे तो सिर्फ हमारे तीन ही मूव आए हैं। सो फ्रेंड्स जब भी हम लोग कॉर्नर में होते हैं तो ये जरूरी नहीं कि हम हमेशा ही उसको एड से करें। बट फ्रेंड्स हम लोग कॉर्नर से थोड़ा दूर, जैसे कि आप देख सकते हो कि मैंने कम से कम 2 स्क्वायर्स दूर, क्योंकि अगर क्वीन अगर हम लोग अभी सुलेमान जब ने यहाँ पे खेला, ये फ्रेंड्स ये पोजीशन है, तो फ्रेंड्स क्वीन के हम लोग तो यहाँ से कर सकते हैं, 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 यहाँ से कर सकते हैं और यहाँ से कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स इधर भी मैक्स टू मैक्स 6 तो हो ही रहे हैं फ्रेंड्स, आप सभी देख सकते हैं 6 तो हो ही रहे हैं। सो फ्रेंड्स बट अगर हम लोग चेक करना चाहे फ्रेंड, अभी ये नॉर्मल हमने खेला था, अभी आ गए फ्रेंड्स देखिए, तो अब हमको एक कॉमन पोजीशन देखनी है, जैसे कि अभी तो मैं वापस से दिखाता हूँ, तो कॉमन एक पोजीशन देखनी होगी हमको कि जिधर एक कॉमन स्क्वायर होता होगा, कि जब भी नाइट फॉग होने जा रहा होगा ना, जैसे कि मैंने बताया कि तो तीनों चीजें सेम कलर के स्क्वायर पे, तो जब वो तीनों एक चीजें सेम कलर के स्क्वायर पे होती है, सो फ्रेंड्स एक पॉइंट आता है जब जो जिधर कभी कभी जिधर ऐसा एक पॉइंट आता है, जो एक स्क्वायर आता है या तो कहूँ मैं, जिधर हम दो कर सकते हैं उस पर अटैक, जिधर से हम दो पीसेस पर अटैक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आप सभी ने देखा होगा कि ये स्क्वायर है जिधर हम लोग दोनों पे अटैक कर सकते हैं एक टाइम पे, क्योंकि फ्रेंड्स आप सभी देख सकते हैं कि क्वीन भी यहाँ पे एम कर रहा है, क्वीन भी यहाँ पे एम कर रही है और किंग भी यहाँ पे एम कर रहा है फ्रेंड्स। तो हम लोग हमको फिर देखना होगा कि हमारा नाइट हम लोग यहाँ पे कैसे लेके जाए फ्रेंड्स, दैट सिंपल। फिर उसके बाद जैसे हमको पता चल जाए पाथवे वो फॉलो करते हैं। बट फ्रेंड्स ये याद रखना माइंड का खेल है, तो अपने आप को अलर्ट रखना, क्योंकि फ्रेंड्स कभी आप ऐसी जगह मत खेल देना जिधर हम लोगों को ही डेंजर पड़ जाए या हमारा ये नाइट जो बचा है वो आउट हो जाए फ्रेंड्स, कैप्चर हो जाए फ्रेंड्स, या तो हम लोगों का चेकमेट हो जाए फ्रेंड्स, क्योंकि हम लोगों को ध्यान देना पड़ेगा क्योंकि नाइट फॉग से ज्यादा जरूरी है हमारा चेकमेट होने से बचाना फ्रेंड्स। अगर नाइट फॉग भी ना हो तो भी चलेगा, अगर हमारा चेकमेट होने वाला हो तो उसे के बचाने के लिए खाते हैं फ्रेंड्स। बट आपने यहाँ पे देखा होगा हमको को हमारा चेकमेट एक तरह से बचाने के खातिर ही हम लोगों ने नाइट फॉग किया है फ्रेंड्स, क्योंकि नाइट फॉग के थ्रू हम लोग हमारा चेक बचा पा रहे थे, क्योंकि कोई वो जो के पास शायद ज्यादा मटेरियल भी हो सकता है, क्योंकि फ्रेंड्स चले तो मटेरियल मिल लेते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पे तो ऐसे दिखा रहे हैं कि हमारे पास टू पॉन्स एक्स्ट्रा है, मतलब 1 पॉन एक्स्ट्रा है, बट ये 3 और ये 9 है फ्रेंड्स, आप समझ जाइए दैट इज अ प्रॉब्लम फ्रेंड्स। 9 से 3 तो 6 पॉन्स बचे और फ्रेंड्स हमारे यानी उसके पास 5 पॉन्स का प्रॉफिट है फ्रेंड्स, जानते हैं। सो इस ऐसी चीजों में फ्रेंड्स हमेशा जैसे बताया कि हमको टोटल कर लेना चाहिए, जैसे कि हम लोगों ने पहले पहले जब पॉन कट हो रहे होते हैं तो उनको काटना चाहिए, जैसे कि ये वाले पॉन्स कट हो रहे थे फ्रेंड्स, तो मैंने इनको काट दिया फ्रेंड्स। बट अब हमारे पास एक पॉन है, यानी हमारे पास अभी भी 1 पॉइंट है और 3 और 9 फ्रेंड्स, यानी 9 में से 3 गए तो बचे 6, और हमारे पास 1 है यानी हम उसके में से 1 भी माइनस कर देते 6 में, तो उसके पास 5 पॉइंट्स का प्रॉफिट है। सो फ्रेंड वो एक्सचेंज कर सकता है या तो हमको चेक दे के ऐसे में ही चेकमेट कर सकता है, क्योंकि हम लोगों ने सीखा हुआ है एलिमेंट्री चेकमेट विद क्वीन, सो ऐसे भी कर सकता है, बट उसको किंग भी इन्वॉल्व करना पड़ेगा अगर हम अच्छे से खेलना जानते हैं फ्रेंड्स। बट अगर आपको पता ही नहीं है कि एलिमेंट्री चेकमेट विद क्वीन क्या होता है, सो फ्रेंड्स जाइए मेरे चेस बेसिक लेसन 1 से 10 तक देखिए सारे लेसन, आपको एलिमेंट्री चेकमेट विद रोक आ जाएगा, एलिमेंट्री चेकमेट विद 2 रुक्स आ जाएगा फ्रेंड्स, एलिमेंट्री चेकमेट विद 3 सॉरी एलिमेंट्री चेकमेट फिर आ जाएगा फ्रेंड्स बिशप्स, यानी 2 बिशप्स, फिर एलिमेंट्री चेकमेट विद बिशप एंड नाइट फ्रेंड्स, तो एक और बच रहा है फ्रेंड्स, जल्दी जल्दी सोचिए और लेटेस्ट कमेंट्स में डालिए कि मैंने कौन सा अभी आपको नहीं बताया, क्योंकि टोटल 5
फाइव चेक मैच होते हैं फ्रेंड्स, तो चाहिए कमेंट में डालिए, इस बॉक्स में भी डाल सकते हो अगर मिला, अगर आपको मैं इनेबल कर दूंगा शायद फ्रेंड्स। मेरे यहाँ पे आजकल पता नहीं क्यों आजकल इनेबल नहीं होता है, शायद ये यूट्यूब की तरफ से कुछ है फ्रेंड्स, या तो ये मेरा सिक्योरिटी होगा इस चैनल का फ्रेंड्स, पता नहीं। बट अगर मैं इनेबल कर पाऊंगा तो फ्रेंड्स मैं आप सभी को इनेबल कर दूंगा, क्योंकि आप लोगों को कई वीडियोज में इनेबल मिलेगा। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को हिट कर दीजिए, और मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए, और लोगों को कमेंट कीजिए इस वीडियो पे, और ये पोजीशंस क्या आपको आ पाई थी, या तो आपने इसका चेक मेट तक ढूंढ लिया है फ्रेंड्स। अगर ढूंढ लिया है तो मेरे को इस कमेंट इसमें, या तो मेरे लेटेस्ट वीडियो में जिसमें मैंने कमेंट्स अवेलेबल हैं उसमें चाहिए, मैं अपनी टीम से बोल दूंगा वो कर देंगे इनेबल फ्रेंड्स। तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय बट फ्रेंड्स मेरा स्लोगन भूलिएगा मत, अगर होना है चेस में बेस्ट सो फॉलो एंड लर्न चेस विद लेस लर्न चेस। थैंक यू, बाय बाय।